रूस अपने दोस्त भारत के लिए कुछ भी करने से कभी पीछे नहीं हटता, लेकिन अभी हाल ही में यूक्रेन ने बड़ा दांव खेलते हुए भारत में भेज दिया था अपना मंत्री और ये बात रूस को खटक गई। खटकी भी इसलिए क्योंकि यूक्रेन भारत के साथ दोस्ती की बात करने लगा और फिर क्या था, रूस ने चल दिया नहले पर दहला और भेज दिया अपना डिप्टी पीएम भारत और रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव को, जो देश के उद्योग और व्यापार मंत्री भी हैं। वो अंतर सरकारी रूसी भारतीय आयोग की सह अध्यक्षता करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। जैसे पुतिन के दूत भारत पहुंचे, वैसे ही भारत में रूसी दूतावास ने ट्विटर पर लिखा कि डेनिस कामकाजी यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। अपनी यात्रा के पहले दिन डिप्टी पीएम व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 24वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। वैसे दुनिया देख रही कि अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए, उसके बाद से रूस के लिए पश्चिमी देशों के व्यापारिक दरवाजे बंद कर दिए गए। लिहाजा एशिया के दो बड़े देश चीन और भारत रूस के लिए संकट मोचक बनकर उभरे हैं। रूसी राष्ट्रपति चाहते हैं कि भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को काफी बढ़ाया जाए, लिहाजा रूसी प्रधानमंत्री अपने इस दौरे के दौरान भारतीय कंपनियों से रूस में निवेश करने की अपील भी कर सकते हैं। रूसी डिप्टी पीएम दिल्ली यात्रा के दौरान कई द्विपक्षीय बैठक करने वाले हैं और उनकी ये यात्रा भारत रूस के व्यापारिक रिश्तों में फिर से बढ़ोतरी होने, खासकर नई दिल्ली द्वारा रूस से रियायती दामों पर कच्चा तेल खरीदने की पृष्ठभूमि पर ही हो रही। भारत ने यूक्रेन पर रूस के हमले की अब तक निंदा नहीं की और कहा है कि संकट को कूटनीति और संवाद के जरिए हल किया जाना चाहिए। रूस के उप प्रधानमंत्री और उद्योग व्यापार मंत्री डेनिस ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ नई दिल्ली में रूसी और भारतीय व्यापार जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। बता दें साल 2020-21 में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार सिर्फ 8.1 अरब डॉलर का था, जो अब 30 अरब डॉलर को पार कर गया। हालांकि दोनों देशों ने इस 30 अरब डॉलर के व्यापार सीमा तक पहुंचने का लक्ष्य 2025 तक रखा था, जिसे पहले ही पूरा कर लिया गया। इस व्यापार लक्ष्य को पूरा करने के बाद भी भारत की चिंता यह है कि भारत ने ज्यादा सामान रूस से खरीदा, लेकिन रूस की खरीदारी काफी कम रही है, लिहाजा भारत अपनी इस चिंता को रूस के मंत्री के सामने उठा सकता है। खैर, आपको क्या लगता है रूस के डिप्टी पीएम की इस यात्रा को लेकर, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।